इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जब से लॉकडाउन हुआ है मानो तेज़ रफ्तार जिंदगियां थम सी गई है। जैसे ही वज़ीर आज़म ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान किया, किसी तरह अपने घरों की तरफ पहुँचने की कोशिश तमाम लोग करने लगे। कई जगह पर मज़दूर अपने घरों सैकड़ों दूर घरों तक किस तरह पहुंचना इसकी कोशिश करने लगे और इसी कोशिश में वो चलते चलते अपने गांव की तरफ निकल पड़े। कई सारे लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। हासिल इत्तला के मुताबिक कोरोना से भी ज़्यादा लोगों की मौत अपने घरों को पहुंचने की चाहत में, जो लोग चलते हज़ारों सैकड़ों किलोमीटर की मसाफत तय करते पहुँचना चाहते थे पर रास्ते में ही दम तोड़ गए। बेलगाम शहर तक पहुँचे मजदूर जो राजस्थान एमपी के थे, इन्हें बेलगाम शहर में ही रोक लिया गया और इन्हें महांतेश नगर नेहरू नगर में रखा गया था, पर घर को पहुँचने की चाहत इन्हें बेचैन कर रही थी। आखिरकार हुकूमत ने इन्हें अपने वतन जाने का इंतज़ाम कर ही दिया। आज बेलगाम इंतज़ामिया पुलिस की मदद से अपने घर जाने का मौका इन्हें हासिल हुआ है। बेलगाम इंतज़ामिया ने राजस्थान के तमाम मज़दूरों को अपने वतन भेजने का इंतज़ाम किया तो तमाम मज़दूरों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाज़ह है बेलगाम में राजस्थान एमपी के मजदूरों को रखा गया था पर हर वक्त आपस में झगड़ने की इत्तला भी हासिल हुई, जिससे इंतजामिया भी परेशान था, पर आज इन्हें भेजने से सभी को एक तरह का इत्मीनान हासिल हुआ है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।